बच्चन बहू ऐश्वर्या राय यानी ब्यूटी क्वीन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। शादी के बाद भी वो एक के बाद एक फिल्में कर रही हैं। तो फिल्म ऐ दिले मुश्किल तो हर किसी को याद होगी। इस फिल्म में ऐश्वर्या ने खुद से छोटे एक्टर रणवीर कपूर संग रोमांस कर लाइमलाइट बटोरी थी। तो बता दे कि एक बार फिर से यही काम करने जा रही हैं ऐश। दरअसल बता दे आप सभी को, सोनू के ट्वीटों की स्वीटी की कामयाबी ने कार्तिक आर्यन की जिंदगी ही बदल दी। अचानक बड़े निर्माता निर्देशक नजर उन पर जाने लगी। कई लोग उन्हें फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, लेकिन कार्तिक सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। कार्तिक से करण जौहर बेहद प्रभावित है। कहा जा रहा है कि करण ने 3 फिल्म की डील कार्तिक के साथ साइन की है। यदि यह बात सच साबित हो जाती है तो कार्तिक बॉलीवुड में लंबी छलांग लगा लेंगे। इधर खबरें मिली हैं कि कार्तिक को रोहन सिप्पी ने भी अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया है, जो कि एक थ्रिलर होगी। रोहन सिप्पी के बच्चन परिवार से बेहतरीन रिश्ते हैं। उनके पिता रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को लेकर शोले, चार, शक्ति, अकेला जैसी फिल्में बनाई हैं। रोहन की इस थ्रिलर में ऐश्वर्या राय बच्चन लीड रोल में होंगी। रोहन को हीरो के रूप में एक गुड लुकिंग हीरो चाहिए था और उनकी तलाश कार्तिक पर जाकर खत्म हुई। इस फिल्म में कार्तिक और ऐश्वर्या साथ में नजर आएंगे। ऐश्वर्या के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहे कार्तिक की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बॉलीवुड स्टार्स को अब कार्तिक के रूप में नई चुनौती मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन के साथ ऐश्वर्या की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखना काफी मजेदार होने वाला है। जहां एक तरफ रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर काफी खबरों में आ चुकी थी ऐश्वर्या राय बच्चन, तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के साथ उनको देखना काफी मजेदार साबित होने वाला है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.